का बेच रहे हैं, गुची का परफ्यूम कितने का भैया बताना जरा कितने का? 60 रुपए का गुची बेच रहा ये 100 के 3 है, ये 80 के 2 है, सारे दे दो फिर आप, ठीक है, और 20 रुपए रख लो, फिर ध्यान रखना अपना। आई होप आप लोग सब मजे में होंगे, और आज है सैटरडे और मम्मी और मैं जा रहे हैं कहाँ, मम्मी मत बताना अभी मम्मी और मैं हम लोग जा रहे हैं, मैं बताती हूँ कहाँ पे, वो मैं आपको जाके पहुँच के ही दिखाऊंगी। फिलहाल को रूट क्या है बेसिकली, मैं NH-24 की साइड में रहती हूँ गाजियाबाद में, सो अगर आपको जाना है एक तो मेट्रो का आपको रूट मिल जाएगा गाजियाबाद वाले का शहीद स्थल का, अदरवाइज सेकेंड रूट ये भी है आपका 62 सेक्टर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी का। ऐसे ही हम पहुँचते हुए 62 मेट्रो स्टेशन पे ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, ये रहा लेफ्ट साइड में और ये रही 62 की जो बिल्डिंग, जब मैं यहाँ पे कॉलेज जाती थी यहाँ से शिप्रा मॉल उधर है, और ये रहा एक डूम सा बना हुआ है जो यहाँ पे, जिससे मैं हमेशा पहचानती थी बचपन में कि यहाँ से ही ये 62 सेक्टर है, और ये रहा नोएडा। हम पहुँच गए हैं शहीद स्थल कह रही हूँ हम पहुँच गए हैं नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेंटर के मेट्रो स्टेशन पे। क्या तुम एक्साइटेड हो आज जाने के लिए जहाँ तुम जा रही हो? और क्या, क्यों इतनी आप खुशी देख रहे हो मेरी मम्मी की, कितनी एक्साइटेड है। अब हम लोग बैठ चुके हैं मेट्रो में और मम्मी और मैं निकलने वाले हैं मेट्रो से। हालांकि मैंने सुना था कुछ टाइम पहले कि मेट्रो में शूट करना मना है, फिर मैं शूट कर लेते चुपके चुपके से, समझ रहे हो, समझ रहे हो। मयूर यार फेस वन पे चेंज करा था और पर अभी मुझे मिली एक बच्ची क्यूट सी बिल्कुल एकदम। फाइनली हम आ चुके हैं सरोजनी नगर और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, दिखाओ भाई, तो आ जाओ। तो गाइस यहाँ है मौसम बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। मैं अंदर घुसने से पहले ही आपको बता देती हूँ कि वहाँ बहुत ज्यादा रश होता है, मम्मी टेढ़ा। हाँ तो ये देखो आप सरोजनी आ चुके हैं, भीड़ एक बार मम्मी दिखा दो चारों तरफ घुमा के। मेरी मम्मी इतनी मासूम बेचारी, इतना कॉन्शियस हो रही है, मैं उनको जब भी कह रही हूँ मम्मी इधर करो उधर करो, मम्मी बार बार देख रही हूँ ये कौन है इधर कौन है, तो आ जाओ साथ में चलते हैं सरोजनी नगर। पकड़े रहेंगे क्या? नहीं लाओ दे दो। तो ये हम आ गए सरोजनी नगर, मैं पहन रही हूँ कैप ऑल सेट। ये सरोजनी का एंट्रेंस, यहाँ से निकलेंगे मेट्रो स्टेशन से डायरेक्टली और ये सीधा फिर है स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, और एक है कट यहाँ पे राइट हैंड से, जो हमें जहाँ नहीं जाना है हम जाएंगे इधर। भाई भीड़ भयंकर है क्योंकि आज है सैटरडे और लोग पागलों की तरह लेने में लगे हुए हैं हर चीज। इधर देख लो, हाँ देख लो, ऐसे पूछ रही हूँ मम्मी, ऐसे मना करूंगी तो तुम नहीं जाओगी देख सकते हो 200-200 रुपए में, 200-200 रुपए में सेल है, 250-200 रुपीज की सारी शॉप है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये मोस्टली कॉस्टली ही देते हैं। ये रही वो सारी लाइन, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे 100-100 रुपीज का मिल रहा है भाई, 100 रुपीज में तो भाई आजकल एक प्लेट चाप भी नहीं आता है जो 100 रुपीज में आपको ये टॉप दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, बट लेकिन वही कि आपको देख के लेना पड़ेगा हर चीज। आई होप मेरी आवाज आ रही है, एक अंकल यहाँ पे ये कर रहे हैं बजा रहे हैं, इनका टैलेंट देख लेता है। अच्छा ये शनि भगवान जी का आज वो मांग रहे हैं। मम्मा मुझे घूरते हुए कि मैं कहाँ चली गई है, मम्मा मेरे को घूर रही थी तुम, देख रहे की यहाँ पे इस जगह पे लगाता था एक मोमोज वाला जो अभी दिख नहीं रहा, देख क्या दिखा रही हो मम्मी, वो ग्रे वाला ना वो दीपिका पादुकोण का आएगा, इतनी पतली औरत को मेरे को नहीं आएगा, नहीं पीछे से वो लगाया अल्पिन। अच्छा अच्छा, ड्रेस पहनने के लिए तो मुझे दीपिका पादुकोण बनना पड़ेगा अगर मुझे इतना पतला हो करके वो ड्रेस पहननी पड़ रही है तो हाँ भाई भीड़ अंधों की तरह लोग लगे हुए हैं, कुत्तों की तरह एकदम। एक्चुअली हमें तो इतना इंटरेस्ट रह नहीं गया है, आप देख सकते हो इधर पीछे 100-100 रुपए का टॉप है, एकदम 100-100 रुपए का टॉप है, और ये देखो यहाँ ये भैया बेच रहे हैं गुची का परफ्यूम, कितने का भैया बताना जरा कितने का चलो भैया गुची का बेच रहा था 60 रुपए का गुची बेच रहा था अभी गुची लोगे 60 रुपए का? तो पापा की परियों के लिए भी यहाँ पे सामान है, हम जा रहे हैं इस बड़ी शॉप पे। अब इस पे तो खैर प्राइसेस हाई होंगे ऑब्वियसली, पर बाहर भी फिर भी 200-200 के और 300-300 के लगे हुए हैं। अब देखते हैं, मम्मा गई है, मम्मी कुछ लेना था, मम्मी यहाँ पे ले रही इयर रिंग्स लेते हुए, पास एक ऑलरेडी ऐसे सेम सेम है एकदम। ये कितने के हैं? 150 के दे रहे हैं, 150 के नहीं मैं लेके आई थी 100 रुपीज के, और मैं यही वाले 250 का
सॉरी 250 का दे रहे हैं और मैं 100 रुपीज में वो लेके आई थी, मुझे पता नहीं कहाँ से, आई थिंक सरोजनी से ही था वो शायद। मतलब ब्रांडेड टॉप वो भी 300 रुपए में, ब्रांडेड टॉप आप समझ लो, जब गुची का परफ्यूम यहाँ मिल सकता है 60 रुपए से तो क्या नहीं मिल सकता। मैंने ले लिया अपने लिए एक नाइट सूट, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, मैं चीपेस्ट से चीपेस्ट पे पेयर बना के भी दिखाऊंगी आपको, फिर मैं बताती हूँ कितने का था क्या सीन है। बहुत ही ज्यादा गर्मी, धूप और ऊपर से इतनी भीड़ है कि आपको पता निकलने की भी जगह नहीं मिल रही है यहाँ पे, बट मैं फिर भी ब्लॉगिंग कर रही हूँ जितना कर पा रही हूँ, कोशिश यही मेरी। वाओ, तो मम्मी यहाँ लेते हुए चश्मा क्या मम्मा यहाँ पे है सारे के सारे 30 रुपीज के या 50 रुपीज की ज्वेलरी, सारे के सारे इयररिंग्स वगैरह आप ले सकते हैं यहाँ से आके। यहाँ पे मिल रहे हैं 80 के भी टॉप मिल रहे हैं, और यहाँ पे हम आ गए फूड फ्रूट्स मार्केट में, बीच में ही पड़ रही थी। बैठना कहाँ है मेरा ना, बैठने का भी एक प्लेट पनीर मोमोज लगा दो, ले लो भैया। तो भाई मैंने ले लिए पनीर मोमोज, हम लोग ने ले लिए मम्मी ये रही साथ में, मम्मी की आंख करी होगी क्योंकि मम्मी फोन नहीं पकड़ पा रही, ऐसा पकड़ा हुआ है मैंने ये रे पनीर मोमोज, टेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ कैसे है। एवरेज मम्मी और मैंने खा लिए मोमोज और हो गई हालत ख़राब, एक तो पानी पी पी के अब हमारी हालत ख़राब हो गई, हमने फिर भी खा लिए क्योंकि पनीर मोमोज मेरी फेवरेट है। मम्मी कैसे लगे मोमोज? अच्छे टेस्टी थे, अच्छे थे, मतलब यूजुअली हम जिससे खाते थे जहाँ पे बहुत रश होता था हमेशा गली के बीच में जो खड़ा होता था, जो आते हैं फ्रीक्वेंटली सरोज उनको पता होगा, तो वो था नहीं आज, तो आज हमने छोटी सी पतली सी वो गली जा रही है उसी के ही साइड में लेफ्ट लेन में, तो हमने वहाँ से खाए पनीर मोमोज, अच्छे थे। 60 रुपीज़ के थे, 8 पीसेस थे, पीसेस कम थे, छोटे छोटे थे, बट कोई बात नहीं, टेस्ट था इसलिए खा लिया। फिर मिल रहा है सबको 50 रुपीज़ में, मतलब यहाँ जितने भी कॉस्मेटिक ये सारे 50 रुपीज़ में। गोलगप्पे के रेट छू रहे हैं गोल्ड की तरह एकदम ही, आपको 5 रुपए का एक गोलगप्पा दे रहा है। भैया कितने के? 30 के एक प्लेट में कितने? अच्छा, तो इनके भी वही है 30 के 6, आप समझ रहे हो, मतलब इतना ज्यादा यहाँ पे रेट हाई है एकदम, भाई मन ही नहीं कर रहा खाने का, क्योंकि मैंने जस्ट सरोजनी में एंटर करने से पहले ही मेट्रो के बाहर ही मैंने गोलगप्पे खाए थे और मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करा हालांकि, बट वो 20 रुपीस के 5 थे, पर वो बहुत चिल लेते हालांकि, बट जो भी है एटलीस्ट वो 30 के 6 नहीं थे। दिमाग खराब, लूट मचा रखी है, इनको लगता है कि सारे बहुत ज्यादा अमीर ज्यादा ही आते हैं क्या यहाँ पे। मम्मी भुट्टा हाँ अभी खाएंगे, कुछ और खा ले तब तक। पुलिस आई है, पता नहीं क्यों आई है, किसी ने क्या कांड किया है यहाँ पे, कुछ का कांड किया हुआ है, पता नहीं क्यों तूफान आ रहा है, शायद वीडियो में नहीं दिख रहा होगा बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा आंधी आंधी वाला फील है। हम लोग यहाँ पे शिकंजी पीते हुए और 30 रुपीज की शिकंजी है। गाइस ये आ गई हमारी शिकंजी, यहाँ पतली की धूल बहुत ज्यादा उड़ रही है। मम्मी ये लो शिकंजी टेस्ट करो, एक और स्टॉल हो, एक और स्टॉल हो, पियो ना, क्यों नहीं पियोगी, भारतीय वतन आ रही है ना, सेल बचो, ₹100 के दो। आई थिंक भाई इससे बेटर कुछ नहीं है, इतनी भीषण गर्मी में इससे बेटर कुछ नहीं है, मेरी मम्मा खा गई भाई। एक तो मेरी मम्मी ना सही में हद करती है, खो जाती है यार कहीं भी कुछ भी लेने के लिए निकल जाती है। मम्मा कहाँ हो, कहाँ खो गई थी, ऐसे मत खो यार। तो जितनी भी पापा की परियाएं हैं वो यहाँ पे आ जाए लेने के लिए, भैया पापा की परियाओं को बेच रहे हैं, परों के लिए भी है, तुम भी तो हो पापा की परी, तुम क्यों नहीं लेने के लिए। यहाँ मिल रही है 80 रुपए का, मम्मी 150 रुपीज में पड़ गया, हमें लेना कुछ नहीं अच्छा लग रहा गाइस, आओ 80 रुपीज में भी बढ़िया से एकदम बना दो। गाइस हालत खराब हो गई है, मम्मी उन्होंने अब डिसाइड करा कि हम लोग अब घर निकलेंगे, हमारी बस की नहीं, आपको भी खाना हो तो खा लो। मेरी मम्मी रेयर ही केस में ऐसा कुछ बोलती है, तो मम्मी का ये जोक था, सभी लोग अप्रिशिएट करना कमेंट करके ज़रूर कि खा लो आपको भी खाना होगा। आगे देखते हैं।
पिंक कलर की बोरी मम्मा, और देख रही है गॉगल्स, कह रही है बेटी गॉगल ले लो। मैंने कहा ले लो ले लो भाई, गॉगल लेना है तो ले लो, और क्या। मम्मी को बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्योंकि ये सब ऐसी मार्केट्स वहाँ नहीं है गाजियाबाद में, तो उनको बहुत अच्छा लगता है ऐसी मार्केट यहाँ पे आना दिल्ली में। पीछे कह रहे हैं कि जाओ लड़की हो सारे के सारे बैग ले जाओ 300 रुपए के, दिमाग मत खराब करो मेरा। भाई बेचने का यूनिक यूनिक स्टाइल है, मतलब रिलेट करने के लिए लोग कैसे कैसे चीजें बोल देता है। तो भी अब मैं घर जा रही हूँ, घर जाके आपको सारे के सारे आउटफिट दिखाती हूँ जो भी मैंने छोटे छोटे चीजें ली हैं। हालांकि मैंने बहुत कुछ लिया भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं लिया मैंने। अरे कहाँ गया चेन वेन सब, कहाँ है तेरी बाबा? मतलब 180 का सारा है, ये 100 के 3 है, ये 80 के 2 है, तो ये मेरे को सारे दे दो फिर आप, और ये लो ठीक है, और 20 रुपए रख लो। अम्मी ये लो इसको डाल लो अंदर। चलो ठीक है बाबा, फिर ध्यान रखना अपना, पानी पीते रहो, गर्मी बहुत है। किसी से बड़ी दुकानों से लो या ना लो, पर ऐसे छोटी छोटे लोगों से जो बेचारे इतनी मेहनत करे, बूढ़े हैं स्पेशली, उनसे तो आप ले ही सकते हो, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना तो मैकडी के बर्गर खा लेते हैं यार, सब चलता है, बेचारे कांप रहे थे उनके हाथ भी। तो गाइस हम लोग घर जा रहे हैं और हमारी शॉपिंग हो गई सारी के सारी, हम बहुत टायर्ड हैं, ये मेट्रो में घुसे हैं रोशनी के मेट्रो में। मम्मी को कहते हुए सुना किसी आंटी से कि मैं रेस्ट करके फिर नीचे जाऊंगी। मम्मी तुम्हारे इतनी हिम्मत है कि तुम अब नीचे जाओगी, इतना सब कुछ थकने के बाद भी बैठने में क्या? मम्मी कसम से यार, कम ऑन, बिना हिम्मत वाली बहुत हिम्मत है मेरे में आई बड़ी, अभी चाय बना दूंगी मैं। बोलो कौन है घर पे, आप कौन हो? तो गाइज मैं आ चुकी हूँ घर पे और थक गई हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कुछ भी करने की। और जिस हिसाब से मैंने सोचा था वहाँ पे ब्लॉग बनाऊंगी, नहीं बन पाया, बट फिर भी मैं जो सामान लेके आई वो मैं दिखा देती हूँ। एक तो मैं ये जीन्स लेके आई हूँ, एक ये जीन्स लेके आई हूँ, ये है सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज की नाइट सूट, ये है नाइट सूट, ये हाफ है और ये है, तो ये कैसा है? शिट, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, ऐसा भी कुछ चाहिए, ये तो बहुत, ओह वाओ क्यूट। टोटल है 300 रुपीज का, या शायद 250 का, 300 का, 250 का, 300, मतलब दोनों में से एक इतने का, ये जितने का बता रही हूँ। सिर्फ एक ही टॉप है ये जो मैं लेके आई हूँ, बहुत ही प्रिटी मेरा क्रॉप टॉप, सिर्फ 100 रुपीज का। और मैं लेके आई थी ये मोस्ट स्पेशल चीज़, ग्रे कलर की है ये, बहुत ही अच्छी लग रही थी, यूनिकॉर्न वाले साइंस ये जो सीन बने हुए हैं यहाँ पे। मतलब सरोजनी अच्छी मार्केट है, ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार मार्केट है, मतलब अच्छी मार्केट है, आपको सस्ता सामान भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है, आपको बस ढूंढना पड़ता है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, खोजना पड़ता है बहुत सारा। और इस भयंकर गर्मी में एक्चुअली दिक्कत यही हुई है कि जाने का मन नहीं था, फिर भी मैं गई कि थोड़ा सा ब्लॉग कर लूँगी ये वो, पर लेकिन ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं लगी। और दो पेयर हो गया, एक नाइट सूट हो गया और एक मैंने पेयर बना ही लिया जीन्स ला के और ऊपर से क्रॉप टॉप, और बस। और बॉटल है मेरी, और मैंने वो जो अगरबत्ती काइंड ऑफ होता है वो मैंने अंकल से ले ली थी, वो डाल दूंगी ब्लॉग में, हाँ डाल दूंगी। तो ये था सरोजनी, पहले मैं बहुत एक्साइटेड होती थी जब मैं जाती थी अपने कॉलेज के डेज में, तो मैं भर भर के सामान लेके आती थी, कि क्योंकि तब रिसेंटली पता चला था ना कितना सस्ता भी सामान मिलता है क्या। तो ये था जो भी था, तो बहुत मज़ा आता था तब, तो अब वो क्रेज़ नहीं रहा यार, अब तो लगता है क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से, तो ऐसा वाला सीन हो गया है। बट खैर जो भी है, आई होप आपको आज की ब्लॉग में मज़ा आया होगा, और मज़ा आया है तो, नहीं भी आया तो भी लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना कैसी लगा ब्लॉग, कमेंट करना और शेयर भी कर देना। तो बस फिर दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, जिसने नहीं किया है जो व्लॉग्स देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, बाय बाय। बस इतना ही आज के लिए, तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो।